अस्सलामुअलैकुम। यह इसका दूसरा पड़ाव है और आज हम अराफात में सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ काफ़ी मसरूफियत है। लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जो लोग रात को यहाँ पर आ गए थे। हम लोग तो फजर की नमाज मीना में पढ़कर निकले हैं। यहाँ आने के लिए हमें मेट्रो दी गई जो कि बेहद ही सहूलियत से भरी थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जिन्होंने मेरे लिए हज की आसानी की दुआ की, जो कि आज सामने भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से, उस पाक जात से, कि वो मुझे आगे भी इसी आसानी के साथ हज को पूरा करने की तौफीक अदा फरमाएगा। मैं उसका एहसान मान लूँ कि उसने मुझे चुना अपने घर की ज़ियारत के लिए, उसने मुझे चुना हज के लिए। और मैं उन सब का जिन्होंने मेरे हक में दुआ की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। यहाँ काफ़ी गर्मी है लेकिन इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकेंगे AC लगाए हैं, टेंटों का भी इंतज़ाम है। अराफात अब वो अराफात नहीं है जो खुला मैदान हुआ करता था। हालांकि वकूफ़ का वक्त हम लोगों को धूप में खड़े होकर इबादत करनी है, और जवाल के वक्त वो सब होगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए वकूफ करूँ और खड़े होकर रो रो के उनकी हद दुआ मांगूँ जिन्होंने मुझसे दुआ मांगने के लिए कहा है। जैसे वो लोग हैं जिनकी औलादे नहीं हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मगफरत चाहते हैं, उनकी जन्नत में आला मकाम चाहते हैं, जो सुचैन सुकून चाहते हैं, जो रोज़गार में तरक्की चाहते हैं, जो वो चाहते हैं जो जायज़ है, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और उनको मिलना भी चाहिए। आज रोकर उन सब के लिए दुआ मांगने का दिन है और आखिर में अपने लिए भी मांगूँगा। अल्लाह जिसने मुझसे जो जो दुआ मांगने के लिए कहा है सबकी दुआओं को कबूल फरमा, और अल्लाह मुझे ताकत दे इस अराफात के मैदान में रो रो करते से दुआ मांगने का, मगफरत करवाने का जरिया बना दूँ। और इसके बाद जो अगला पड़ाव मुज़दलिफा है वहाँ रात का क़याम, वहाँ भी इंशाल्लाह दुआएं मांगी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि अल्लाह जिसने मुझसे जो दुआएं मांगने के लिए कहा है उन सबकी दुआओं को मांग सकूँ और अल्लाह उन्हें पूरी भी करें। अस्सलामु अलैकुम।